Coming to the question, charity trust decides to build a prayer hall having carpet area of 300 square meter with its length 1 meter more than twice its breadth. What should be the length and breadth of the hall? इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है हमें कंडीशन, कोई भी एक चैरिटी ट्रस्ट है वो एक प्रेयर हॉल बनाने की आप कह सकते हो, कोई भी एक चैरिटी ट्रस्ट है वो एक प्रेयर हॉल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। उसका कारपेट एरिया अगर आप देखेंगे तो कितना है, 300 square meter। तो जाहिर सी बात है कारपेट एरिया जो होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है जिसका लेंथ क्या है 1 meter ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ब्रेथ के दुगना जो उसका लेंथ है वो 1 meter ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट शुड बी द लेंथ, क्या लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल कार्पेट एरिया ले सकते हैं, ठीक है, जिसका पूरा एरिया का वैल्यू क्या है 300 square meter, करेक्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेट अजम्पशन अगर ले लेते हैं, लेट द ब्रेथ बी x मीटर, सपोज अगर ब्रेथ, ये अगर ब्रेथ है इसको हम लोगों ने x ले लिया, ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 meter मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मीन्स 2x + 1, 1 meter मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सपोज अगर लेंथ ये है हमारा, ये क्या हो जाएगा 2x + 1, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया जो होगा हमारा, एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल का, वो कितना दिया हुआ है 300 square meter, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 300, तो दिस इंप्लाइज एल की वैल्यू क्या है 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ की वैल्यू x इज इक्वल टू 300। फर्दर अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 2x × x 2x² + 1 × x x, 300 को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आए ये हो जाएगा -300 = 0, ठीक है। तो अब अगर हम चेक करें कॉन्स्टेंट फैक्टर है हमारा -300, कोएफिशिएंट ऑफ x² है 2, -300 × 2 क्या हो जाएगा -600। हमें फैक्टर क्या चाहिए, x के फैक्टर चाहिए, तो 600 में से हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं 24 और 25, तो जो बिगेस्ट फैक्टर होगा 25 उसको हम लोग असाइन करेंगे पॉजिटिव साइन, तो ये क्या हो जाएगा 2x² + ये हो जाएगा आपका 25x - 24x -300 = 0। तो यहाँ से अगर हम 2 की वैल्यू अगर यहाँ से हम x की वैल्यू कॉमन ले लें तो क्या होगा 2x + 25 - अगर इस जगह से हम लोग 12 की वैल्यू अगर कॉमन लेते हैं 24 और 300 में, अगर 12 की वैल्यू को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 25 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी इस केस में, पहला वैल्यू क्या है 2x + 25 = 0, ठीक है। दूसरा वैल्यू क्या है x - 12, तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा और x - 12 = 0। तो देयरफॉर फर्स्ट केस में x की वैल्यू क्या आएगी -25/2, एंड सेकंड केस में x की वैल्यू क्या आएगी 12। तो जैसा कि हमें पता है कि रेक्टेंगल का कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो -25/2 को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा x = 12। सो देन x की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था ब्रेथ की, लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x + 1, तो लेंथ इज इक्वल टू 2x + 1 दिस इक्वल्स टू 2 × x, x की वैल्यू क्या है 12 + 1, देयर फॉर लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 12 = 24 + 1 = 25 meter। ये हो गया आपका ब्रेथ की वैल्यू x = 12 meter, लेंथ की वैल्यू हो गई l = 25 meter। तो जो हमारा स्टार्टिंग का जो कंडीशन था वो क्या था,
ब्रेथ को हमने यहाँ पे x लिया था, तो लेंथ क्या हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 1। जैसा कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, वो फार्मूला हमने अप्लाई किया, लेंथ की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ब्रेथ की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फर्दर कैलकुलेशन किया, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू अप्लाई करके हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जैसा कि हमें पता है रेक्टेंगल में कोई भी साइड हो वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हमने ये साइड को नेग्लेक्ट कर दिया, माइनस नेगेटिव जो साइड था 25/2 इसको नेग्लेक्ट कर दिया, और x इज इक्वल टू 12 मीटर जो कि हमारा ब्रेथ का वैल्यू आ गया। जब ब्रेथ का वैल्यू हमें मिल गया तो ऑब्वियस है लेंथ की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2x + 1, उसको हमने यहाँ सब्सिट्यूट किया x की जगह पे 12 की वैल्यू, तो फाइनली लेंथ की वैल्यू क्या आ गई 25 मीटर।